हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं चुनाव की खबरों का सबसे बड़ा बुलेटिन, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, पूर्णिया से लाइव। आज एक बहुत बड़ी खबर आई है बिहार से। चुनाव से एन पहले, तीसरे चरण की वोटिंग से पहले जेडीयू ने अपने एक एमएलसी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वजह है उस एमएलसी दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह का एलजेपी के टिकट पर गायघाट से चुनाव लड़ना। अब सवाल ये खड़ा हो गया कि आखिर गायघाट से इस बार जीत का गर्दा कौन उड़ाएगा। 10 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आपको बोलने की जरूरत नहीं। अधिकांश जिनकी माँ एलजेपी से सांसद है और पिता जेडीयू से एमएलसी, कोमल सिंह युवा है और खुद को बेहद शिक्षित भी बताती हैं। इनका मुकाबला है महेश्वर यादव से, जो कभी आरजेडी में होते थे लेकिन आज पानी पी पी कर आरजेडी को कोसते हैं। लालू परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। इस बार जेडीयू के टिकट पर वो चुनाव मैदान में है और इन दोनों का मुकाबला है तीसरे उम्मीदवार से, जो कि है आपको बता दें आरजेडी के निरंजन राय। गायघाट में दो यादव उम्मीदवारों के बीच राजपूत उम्मीदवार कोमल सिंह की दावेदारी ने क्षेत्र का समीकरण बदल कर रख दिया है। आपको जिताने के बाद जैसे जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे। करोड़ों की नौकरी छोड़कर कोमल सिंह पहली बार राजनीति के अखाड़े में किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि कोमल की मां वीणा देवी वैशाली से सांसद हैं, जो कि गायघाट से ही एक बार विधायक भी रह चुकी हैं। वहीं कोमल के पिता दिनेश सिंह जेडीयू के विधान परिषद सदस्य हैं। ऐसे में कोमल सिंह को चुनाव में जीत मिलती है तो एक ही घर में सांसद, विधायक और एमएलसी भी होंगे। कोमल सिंह शिक्षित हैं, युवा हैं और जब वो जनता के बीच जाती हैं तो तमाम सभाओं से एक ही वादा करती हैं कि अगर 10 तारीख के नतीजों में जनता उनके सर पर जीत का सहरा बांधती है तो वो 11 तारीख से जनता के बीच होंगी। मैं यहाँ की रिस्पांसिबिलिटी लेती हूँ, जिम्मेदारी लेती हूँ, तो ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी, मेरा दायित्व है कि आई शुड मेक श्योर कि सबको सरकार की योजना, हर योजना चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, योजना लोगों तक पहुंचे, उसका लाभ लोगों को मिले। साथ ही साथ एक जनप्रतिनिधि का दायित्व ये भी होता है कि लोगों के बीच आए, उनकी समस्याओं को समझे। मेरा कोई लोग पूछते हैं आपका लक्ष्य क्या है, मेरा कोई एक लक्ष्य नहीं। जब मेरे गायघाट विधानसभा में समस्याएं लाखों हैं, हजारों हैं, तो मेरा लक्ष्य भी हजार होना चाहिए। ऐसे कई गाँव में गई हूँ जहाँ लोग नाव के सहारे जा रहे हैं 21st सेंचुरी में, क्यों उनका जमीन से जुड़ाव नहीं है, वो एक समस्या हो गई। कहीं जाऊंगी तो लोग कहते हैं बिजली नहीं है, वो एक समस्या हो गई। कहीं पानी की समस्या है, कहीं आज भी मैं जाती हूँ गवर्नमेंट स्कूल में तो इतना इतना पानी भरा हुआ है, क्यों? मैं आपसे पूछती हूँ, मैं लोगों से मैं सवाल कर रही हूँ, आप मुझे बताइए कि जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना वायरस महामारी आई, प्राइवेट स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चला, सरकारी स्कूल में, बिहार के सरकारी स्कूल में क्यों नहीं चला? क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का सपना नहीं होता? कोमल सिंह के सामने राजनीति के अखाड़े के धुरंधर खिलाड़ी महेश्वर यादव है। महेश्वर यादव पिछली बार आरजेडी से जीते थे लेकिन इस बार नीतीश की पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। महेश्वर यादव परिवारवाद के विरोधी रहे हैं, लालू की पार्टी से नाता इसी नाम पर तोड़ा था, लेकिन यहाँ भी उनकी चुनावी लड़ाई परिवारवादी राजनीति से ही है। आरजेडी के जो नेता है ना, सिर्फ अपने परिवार के लिए काम कर रहे थे, इसीलिए हम आरजेडी छोड़ दिया और हम 5 बार जीते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ हम में है। बिहार में तो जात पात है, जन्मे करते हैं, तो 2 गो जात को छोड़ करके जितना अनुसूचित जाति से लेके तमाम पिछड़ी जाति और तमाम ऊंची जाति के लोग एनडीए के साथ। महेश्वर यादव 5 बार चुनाव जीत चुके हैं लेकिन उनकी हर 4-5 साल पर आस्था बदलती रहती है। मोदी नीतीश जिंदाबाद। आरजेडी ने महेश्वर यादव से सीट छीनने के लिए निरंजन राय को टिकट दिया। निरंजन राय भी दावा करते हैं कि जीत उन्हीं की हो रही है। हमारे गायघाट विधानसभा में कोई लड़ाई में नहीं है, एकदम यहाँ से क्लियर है। कोमल सिंह भी जो यहाँ पर एलजेपी की उम्मीदवार हैं, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि वो कह रही हैं कि मैं युवा हूँ और इस बार लोग युवा को मौका दें। तो हम कौन से यहाँ वृद्ध नजर आ रहे हैं आपको, मैं खुद युवा हूँ। तीनों उम्मीदवारों के अपने अपने दावे हैं लेकिन इन दावों से अलग इलाके की हकीकत यह है कि बाढ़ के दिनों में पूरा इलाका जिला मुख्यालय से कटा रहता है। इलाके में बाढ़ और कटाव सबसे बड़ी समस्या है।
गायघाट विधानसभा क्षेत्र में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, जहां आम जनता से बात कर जान लेते हैं कि यहां की समस्याएं क्या है। बच्चे सबका शिक्षा का कमी है, दिक्कत है, यहां पे कहीं पे बांध भी नहीं है जहां पे जाकर के कोई रह पाए, सबको इधर उधर भागना पड़ता है। इनका साफ तौर पर कहना है इसको लेकर तमाम जो वादे किए गए वो कहीं पर भी ग्राउंड पर दिखाई नहीं देते, ऐसे में इस बात को ध्यान में रखकर ही वो इस बार के चुनाव में वोट करने वाले हैं। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज। जहां मैं पूर्णिया में इस वक्त मौजूद हूं, यहीं पर रुपौली विधानसभा क्षेत्र भी है। यहां पर दो बाहुबलियों के बीच मुकाबला है। सवाल ये कि आखिर कौन बाहुबली किस पर भारी पड़ेगा। सीमा भारती जिंदाबाद। बिहार में तीसरे दौर की वोटिंग को लेकर सियासत गर्म और इस बढ़े हुए सियासी तापमान में रुपौली सीट बेहद चर्चा में। वजह है रुपौली की विधायक और जेडीयू उम्मीदवार बीमा भाटी। बीमा भारती इलाके की वोट बली महिला विधायक, 2005 से इस विधानसभा सीट पर कब्जा है। चार बार रुपौली सीट से जीत का परचम फहरा चुकी है। नीतीश सरकार में गन्ना मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालती है। ऐसे में बीमा का कहना है कि उनकी जीत तय है। एक बार आरजेडी के टिकट पर आप चुनाव जीती हुई हैं। तीन निर्दलीय से भी जीते हैं। 2000 के झंडे बुलंद। निर्दलीय से 2000 में जीते हैं, इसके बाद आरजेडी से, तब फिर जदयू से लगातार दो बार। हाँ, इस बार पांचवी बार भी जनता जो उतना ही प्यार दे रही है, देगी क्या? बिल्कुल, जिस तरह से 2000 से लगातार जनता रुपौली की जनता ने सन्हा प्यार देते आ रहा है, और उसी तरह से इस बार भी मुझे जनता का प्यार सन्हा मिल रहा है। बीमा भारती बाहुबली अवधेश मंडल की पत्नी है। सन 2000 में बीमा ने निर्दलीय विधायक के तौर पर अपने सियासी करियर की शुरुआत की। इसके बाद बीमा आरजेडी के साथ गयी, लेकिन 2010 में बीमा ने नीतीश का दामन थाम लिया। पार्टी कोई भी हो, लेकिन इस सीट पर जीत का परचम बीमा के नाम पर ही लहराता है। कितना उम्मीद कर रही है, कितने वोट से इस बार जो है वो आप जीत का अंतर? जी हो, जीत हुआ था, टोटल वोट हम लोग 50,000 मिला था, लीडिंग हुआ था 10,000 से। इस बार जो है ना, उम्मीद है कि हमको 40,000 से लीडिंग लेंगे। 40,000 से भी ज्यादा के अंतर से जीत का दावा ठोक रही बीमा भारती जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ रही। लगातार जनसंपर्क और छोटी छोटी सभाओं का दौर जारी है। आपके सामने दो कैंडिडेट है, एक तो एलजेपी के टिकट पर शंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरा महागठबंधन से भी ताल ठोकने के लिए विकास चंद्र मंडल है। आप उन दोनों को कितना बड़ा टक्कर मानती है और आपका बड़ा दुश्मन कौन है चुनाव में? मेरा दुश्मन कोई नहीं है, मेरा टक्कर में कोई नहीं है, हम अकेले हैं। मतलब एक महिला जो सब पर भारी है। बिल्कुल, अब जनता मेरे साथ है और हमारा किसी से टक्कर नहीं है। बीमा भारती को टक्कर देने के लिए महागठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में है विकास चंद्र मंडल। विकास का ये पहला चुनाव है, सीपीआई के टिकट पर विकास चुनावी मैदान में जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। विकास मंडल विकास को मुद्दा बनाकर वोट मांग रही है और बदलाव का दावा कर अपनी जीत तय बता रही है। कैसी तैयारी और क्या कुछ लग रहा है इस बार चुनाव? चुनाव बहुत अच्छा, तैयारी भी अच्छी है, जनसमर्थन प्राप्त है, जनता मुझे ये बदलाव चाहती है बीमा भारती से। पूरा यहाँ की रुपौली विधानसभा की जनता त्रस्त है, वो बदलाव चाहती है और निश्चित रूप से बदलाव होगा। विकास का कहना है कि जातीय समीकरण उनके लिहाज से सटीक है, लिहाजा उनकी जीत सुनिश्चित है। दोनों पार्टियों के उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और इन दोनों पार्टियों के बीच जेडीयू का खेल खराब करने के लिए मैदान में उतरे हैं एलजेपी के शंकर सिंह। अपन शंकर भाई, अपन शंकर भाई के बारे मत सजताए दो, अपन शंकर भाई के बारे मत सजताए दो, उसे लाठू बिहारी गांजरे ले लाइन जंग सन। शंकर सिंह इलाके के क्षत्रिय बाहुबली हैं। शंकर सिंह और बीमा भारती के पति के बीच जाति की जमीनी लड़ाई है और ये लड़ाई अब सियासी अखाड़े तक पहुंच गई है। शंकर एक बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं। टक्कर तो हम
चौथा इलेक्शन लड़ रहे थे, एक बार जीते भी थे 2005 में। हाँ, तो आपकी बार जनता का पूरा समर्थन है। आपकी बार जी आपकी समर्थन है जनता का, जनता के लिए हम 20 साल से मेहनत कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर चीज में हम खड़े उतरते हैं। इसलिए हम पूरा विश्वास है कि जनता को आपकी बार चुन के विधानसभा पहुँचाएंगे। रुपौली के जातीय समीकरण की बात करें तो इस विधानसभा सीट पर सबसे अधिक मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन यादव और राजपूत वोटरों की तादाद भी अच्छी खासी है। कोयरी, कुर्मी, रविदास, पासवान भी यहां निर्णायक भूमिका में। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार रुपौली की जनता के दिल पर किसका होगा राज। तो बिहार में चुनाव प्रचार का शोर कल पूरी तरीके से थम जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कई रैलियां बिहार में की, अब उनकी रैलियों का समापन हो चुका है। ट्विटर पर उन्होंने एक के बाद एक कई संदेश जारी किए बिहार के लोगों के लिए। पिछले दिनों मुझे बिहार के अपने भाइयों बहनों से मिलकर उनका आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। सासाराम में पहली रैली से लेकर सहरसा में आखिरी रैली तक जनता ने हमेशा की तरह ढेर सारा प्यार दिया। एक जनसेवक के रूप में बिहार की भूमि का चरण स्पर्श मुझे जनसेवा के लिए और प्रतिबद्ध करता है। बिहार ने हमेशा लोकतंत्र के मूल्यों को ही सर्वोच्च माना है, इसलिए बिहार के लोग सुशासन की राजनीति ही पसंद करते हैं। बिहार के युवा और महिलाएं एनडीए में उम्मीद देखते हैं। बिहार वासियों ने तय कर लिया है कि प्रगति के पथ पर बढ़ चले ये कदम अब न रुकेंगे न थमेंगे। बिहार के युवाओं को सुविधा, सुरक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सिर्फ एनडीए ही दे सकता है। मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत बिहार को 1,00,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। एनडीए ने किसानों के लिए जितना किया और कर रहा है उतना किसी ने कभी नहीं किया।